बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। पीटीवी नेशनल दी लाइव ट्रांसमिशन, अज दा मेहमान तो मैं हाँ ताड़ी मेज़बान सोनिया शेख, ते प्रोग्राम विच मेरे नाल मौजूद ने मेरे को होस्ट अहमद सुफियान। नाज़रीन, प्रोग्राम विच तानू सब नू खुशामदीद, वेलकम जी आया नू। इस उम्मीद दे नाल कि तुसी सारे जिथे भी होवोगे खुश होवोगे, राज़ी होवोगे, ते अपना बहुत ध्यान रखते होवोगे। नाज़रीन, इस तो पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दी चला, मैं तुहाडे नाल वंडदी चला अज की चंगी गल। तो अज की चंगी गल ए वे कि हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों के काम आओ। यह वो जज्बा है जिदे नाल हर कोई सरशार नहीं हो सकता। कई लोग बहुत कोशिश करन के बावजूद भी इस नहमत तो महरूम होंदे ने। ते कोशिश करो कि अपने रोज़मर्रा की जिंदगी चो कुछ लम्हे, कुछ पल कढ़ के किसी की मदद जरूर कर दिया करो। किसी राह जांदे नू सड़क पार करा के, किसी भुखे नू खाना खुआ के, ते किसी प्यासे नू पानी पिया के, यह छोटिया छोटिया नेकियां ने जड़ियां करके तुसी किसी की जिंदगी आसानी पैदा कर सकते हो, ते अपनी जिंदगी खूबसूरत ते बामकसद बना सकते हो। ते हुण मैं आवांगी अपने प्रोग्राम वल। ते प्रोग्राम का बाकायदा तुहानू आगाज़ करदे हां, तुहानू सैगमेंट के हवाले नाल दसदी चलां कि अज दे प्रोग्राम विच साढ़े तीन सैगमेंट होणगे। पहला सैगमेंट जिहड़ा है वह मेरा बहुत पसंदीदा सैगमेंट है, क्योंकि पहले सैगमेंट विच असीं गलबात करांगे ब्यूटी टिप्स के हवाले नाल, ते साढ़े नाल ब्यूटी के जिहड़े माहिर ने वह भी मौजूद होणगे। दूसरे सैगमेंट विच हमेशा की तरह असीं गलबात करांगे सूफी स्कॉलर दे नाल, ते उहदे विच साढ़े नाल मौजूद होणगे सूफी स्कॉलर। ते तीजा ते सब तो अहम सैगमेंट साढ़े अज दे प्रोग्राम दा, उहदे विच असीं तुहाडी मुलाकात करवावांगे मुल्क दे नामवर शख्सियत ते फनकार दे नाल। दोस्तों, इस दुनिया दा हर इंसान सोहणा है, ते सोहणे रब दी तखलीक है। हर इंसान चाहुंदा है कि मरदे दम तक उहदे हुस्न दे विच इजाफा होंदा रहे, ते जिहड़े साढ़े अज दे मेहमान ने ਉਹ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਖਾਰ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵਕਾਸ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਇਰਾ ਸਮਾਦ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖੁਸ਼ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा वकास साहब, क्योंकि तुसी ब्यूटी थैरेपिस्ट भी हो ते सैलोन कंसल्टेंट भी, पहले तो साढ़े वेखन वाले नू ए दसो कि यह होंदा की है, क्योंकि सानू दोनों नू भी इहदे बारे च कुछ ज़्यादा इलम तो नहीं। नहीं, ब्यूटी के हवाले नाल ते हर कोई जिहड़ा बंदा है ओह चाहुंदा है कि ओह खूबसूरत इहनां नू जरूर होएगा। मेरा इलम ज़रा घट है, ऐसी वजह तो मैं कहिया कि जिहड़ा अज दा सैगमेंट है मेरा बहुत फेवरेट सैगमेंट है। ते असीं तुहाडे कोलों जिहड़े ना असीं टिप्स लैंदे रहांगे। शुरुआत करो सवालां दी। ते बिल्कुल तुसी सही कहा कि असल जिहड़ी चीज़ है अजकल ते जिल का जरा स्पैशलिस्ट होंगे ना, जरा जिल के बारे इलम हासिल करता है, उन्होंने क्या जाता है ब्यूटी थैरेपिस्ट। माशाल्लाह दुनिया के बहुत सारी ऐसी जगह ने जिथे यह इलम दिता जा रहा है, तो इंग्लैंड भी बहुत सारा ऐसे इंस्टीट्यूट ने जितों असी इलम हासिल किया। दूसरी गल आ जाती है सैलून कंसल्टेंट। सैलून कंसल्टेंट एक ऐसी जगह है जिथे असी बहुत सारे पॉलरां नू उन्हां दी ट्रेनिंग देने, उन्होंने लैके चलने कि किस तरह उन्होंने अपना बिजनेस नू शुरू करना, उन्हां दी शुरू होने वाली जड़े जड़े उन्होंने अवामल या जड़े जड़े उन्होंने रस्ते वो दिते जाते हैं कि एक सैलून बनाने वास्ते केड़ी केड़ी चीज़ की जरूरत होंगी है, तो केड़े केड़े ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे ने जड़े उन्होंने करने चाहिए। तो मैं तो दो घट लफ्जा ही बोलाँगा ताकि इस्तेमाल किया जाए लफ्जा। शुक्रिया। सही। अच्छा सर, तुसी मैनू यह दसो सायरा समाद साहिबा कि जिहड़े साडे वाल ने जिवें मैं रोज़मर्रा दी हेयर स्टाइलिंग करवानी कुछ प्रोफेशनल लड़कियां, तो उहदे नाल वाल जिहड़े ने डैमेज हो जाते हैं, मतलब वो शाइन नहीं रहिंदी नैचुरल, तो उन्हें किस तरह उस चीज़ नू मेनटेन किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और इहदे नाल मैं दसदी चलांगी कि बाल जिहड़े रुखे और बेजान हो जाते हैं, इहदे च बहुत से अवामिल होंदे ने, कुछ अंदरूनी अवामिल ने, कुछ बैरूनी अवामिल ने। साडी खुराक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करदी है, ठीक है। अगर असी प्रॉपर डाइट नहीं लै रहे, अच्छी डाइट नहीं लै रहे, मुतवाजन खुराक नहीं लै रहे, वो बहुत जगह पर खुश्की लैन दी है, साढ़े वालों ड्राई कर दें, खुश कर दें, बेजान हो जाते हैं, बाल गिरते हैं। तो खुराक सब तो बुनियादी जुज़ है, उदे च प्रोटीन इनटेक बहुत जरूरी है, मतलब असी ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट लीए जिसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, जिस तरह अंडा है, जिस तरह मछली है, जिस तरह वाइट मीट है, जिस तरह रेड मीट है, यह तमाम वो चीज़ा ने जेड़ियाँ जिस तरह दालां ने, इन्होंने ऐसा गजाइयत मौजूद है जिदी वजह तो साड़ी अंदरूनी अवामिल अच्छे हो सकते हैं। जितों तक बैरूनी अवामिल का ताल्लुक है, तो साड़ा मौसम बहुत रोल प्ले करता है,
खुश्क मौसम ना खुश्की हो जाती है वाले च, और अगर जिस तरह असी बहुत ज़्यादा चीज़ों का आलात का इस्तेमाल करने तो इलैक्ट्रॉनिक्स तुम्हें पता है इन अच्छी नहीं वालों तो उसकी वजह तो साड़ा अपना जोड़ा वालों का नैगेटिव चार्ज है ना वो खत्म होता जाता है। बिल्कुल वो से बेहतर है कि असी किसी भी अच्छी कंपनिया के सीरम इस्तेमाल करिए, मास्क इस्तेमाल करिए, घरेलू चीज़ों इस्तेमाल करिए, जिस तरह अंडे का मास्क बनता है वो इस्तेमाल कर लिए वालों के उत्ते, तो वो काफ़ी हद तक खुश्क वालों सही किया जा सकता है। सही ठीक है। अच्छा सर, तुहाड़े को पूछना चाहवांगा, असी पहले वेखदे सी टोटके इस्तेमाल किए जाते सी ते देसी शैवां दा इस्तेमाल हुंदा सी जिवें कहिंदे पए ने, लेकिन हुण जिहड़ा असी वेखदे आ कैमिकल इस कदर इस्तेमाल हो रहा है, ते तुहानूं नहीं लगदा कि इहदे बड़े बुरे नुकसान आ सानूं अगे वेखण नूं आणगे, बल्कि आ रहे ने हुण हर किसी नूं वेखो ते एक्ने दा प्रॉब्लम ने, छोटे छोटे बच्चे ने उहनां नूं वी 18 साल दे 17 साल दे, ते की कहना चाहोगे तुसीं? देखो ए बिल्कुल तुसीं बड़ी अच्छी गल कीती है, अजकल का जो दौर हों जा रहा है ना, लोग शॉर्टकट रस्ते लभना शुरू करते हैं। जोड़े हर्बल फार्मूले सन उन्होंने वाकई एक तरीके सन, जो तरीके के हिसाब से सन तुरना हों, कुदरती सन, मतलब वो 2 महीने का 3 महीने का एक प्रोसीजर हों। अजकल लोग चाहते हैं 10 दिन रंग चिट्टा हो जाए, सुबह राती क्रीम लाइए तो सुबह चिट्टे हो जाइए, तो यह एक दिन वाल बच जा, तो यह जो चीज़ा ने शॉर्टकट जो रस्ते ने ना उस तरह देखो वो जड़े कैमिकल्स ने, जिस तरह हूँ क्रीमा मरकरी पाई जा रही, हूँ अच्छा। मरकरी एक ऐसी चीज़ है कि तुसी किसी भी चीज़ इस्तेमाल करोगे तो खराब करेगी, फिर बहुत सारे कोजिक एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं, एसिड जिस भी चीज़ के नाल लग जाए वो की काम करेगा, तो अल्लाह ताला ने जी उत्ते वाली स्किन बनाई है ना उन्होंने असं कहने सुपरफिशियल, मतलब वह काम है कि जिन्हें भी सतही, मतलब उन्हें ताडे जिन्हें भी इनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ने सारिया उन्होंने उन्हें कवर करना, यानी सर्दियाँ आईया उन्हें तानू ख्याल करना, गर्मियाँ आईया उन्हें तादा ख्याल करना, मतलब यह चीज़ों के वास्ते वो जी सुपरफिशियल लेयर है अगर असं उन्होंने थिन कर देंगे तो थले वाली जी लेयर होएगी ना वो उन्नी जल्दी नुकसानात वास्ते ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे। इस वास्ते मेरा तो पर्सनल यही ख्याल है कि असी वापस वो कुदरती चीज़ों वापस जाना चाहिए सानू, असी यह जड़िया चीज़ा ने इन्हों तो दूर होंगे जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक हल है हो जाता कि उस तो बाद वापस सर्जरी वाली जाते हो, उस तो अलावा अडिक्ट हो जाते हो चीज़ों के। सही। अच्छा सर, तुसीं मैनूं दस्सिया कि यह जिहड़े मतलब क्रीम्स ने यह ज़्यादा अजकल जिहड़ियां फायदा नहीं दिंदियां, लेकिन अक्सर मैं देखिया कि लोग रात में सोने लगे स्पेशली नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, तो वो की साड़ी स्किन वास्ते अच्छी है या बुरी, ये बारे तुसीं की दसोगे? देखो अल्लाह ताला दा एक कमामिल है जिन्होंने असं कहने नैचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक, ऐसी बहुत सारी जगह माशाल्लाह असं घर का साडा ऐसा सिस्टम है जिदे अल्लाह ताला ना सारा दिन जिन्हें भी सैल्स ने ना जिन्होंने उसे हुलिए कहने हुलिए सारा दिन लड़ाइया करते रहते हैं, कभी सूरज के खिलाफ, कभी पोल्यूशन के खिलाफ, कभी किसी चीज़ के खिलाफ, तो एक वक्त आता कि रात को यह रिपेयरिंग करते हैं, वो जो रिपेयरिंग आता है ना उस वक्त इस वक्त कहा जाता है कि रात को जी तुम क्रीमा या ट्यूबा कोई भी इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा अच्छे तरीके नाल अमल कर दी है बनिस्बत सुबह के टाइम पर, तो इस वक्त मतलब यही है कि जी नाइट क्रीम्स ने वह ज़्यादा इस्तेमाल की जाए, तो लोग ऐसे वास्ते फार्मूला क्रीमा बना लेंगे ने घर ही अपने तौर पर, एक तो सोने तो सुहागा भी करते हैं कि दो दो एक ही स्टीरॉयड ला रहे हो तो और स्टीरॉयड ला लेंगे हो, तो दो दो जो तुम लाओगे तो उन्हें की कपड़िया का हशर कर देना की उन्हें करना, सुबह उठते हो तो वह हिस्सा तो चिट्टा कर देंदियाँ, लेकिन बाद चो की होता है कि होता अंदर डेड हो जाता है। अच्छा, स्किन सेंसिटिव बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ना, अगर फॉर एग्जांपल ताडी जेडी उम्र है वो 30 तक है, तो 30 दी उम्र विच तुसी तानू इन चीजा की जरूरत नहीं है, तुसी डेली क्लींजिंग कर लो, बहुत चंगी गल है, ताडे जेडी सतही स्किन नु तार दी जांदी है, जदों 30 तो उत्ते तुसी जाओ तो उदों वाकई ही तानू नाइट क्रीम इस्तेमाल करनी चाहीदी है, क्योंकि जेडी ए ताडे स्किन दे बहाल होने का अमल है ना उन्होंने तेज कर दी है, ये कोई डाउट नहीं है, यानी कि ये कोई मजायका नहीं कि तुसी अगर 30 तो उत्ते नाइट क्रीम इस्तेमाल कर दे, क्योंकि देखें जिहड़ी तुहाडी जिल्द है ना वो अपने आप नू रिपेयर कर दी 1 महीने के अंदर। अच्छा। हाँ जी, उदा एक साइकिल होंदा है 21 तो 28 दिन का साइकिल होंदा हर इंसान च होंदा है, और जिस तरह एक मुहावरा सी ना जी सप खल उतारदा है, इस तरह इंसान भी स्किन उतारदा है, जिन्हों कदी रिजुविनेशन कहंदे आ ना, रिजुविनेशन डैंड्रफ कह दईदा है
ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਮਾਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਿਨ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਸਕਿਨ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰੀਮਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿਨ ਲਵਿੰਗ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫੇਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਵਾਈਟ ਸੁਦਾ ਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੇ ਇਹ ਅੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਡੇਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਈਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਖੂਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੁਸਤ ਤੋਂ ਚਾਵੰਦ ਰਵਾਂਗੇ। ਗਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ EMF ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਲਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੁਫਾਦੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਦਾਰਕ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਸਰਜਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਤੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਣੀ? ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗੇਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੁਮੈਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੂਰਜ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹਾਰਡ ਟੈਕਸਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ, ਇੱਕ ਰਬਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ
जी नाजिन, एक बार फिर प्रोग्राम विच तुहानू जी आया नू हुण वेला होया साडे दूजे सैगमेंट दा। ते सैगमेंट विच साडे नाल हमेशा दी तरह सूफीजम ते साडे सूफी स्कॉलर मौजूद ने। इन्हां दी परसनैलिटी, इन्हां दी शख्सियत दे बारे तुसी सारे जानदे हो। इन्हां दी शख्सियत दे कई पहलू ने, कालम निगार ने, अदीब ने, शायर ने, सूफी स्कॉलर ने। साडे नाल मौजूद ने साडी अपनी ते बहुत प्यारी डॉक्टर सुगरा सदब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम विच तुहानू जी आया नू बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, किंज लग रहा की लग रहा है तुहानू, कैसा लग रहा है? मैनू तो बड़ा चंगा लग रहा है, इसलिए कि बड़ा कलरफुल और हमेशा की तरह है सैट, बड़ा चंगा लगता है जी। और जिंदगी रंगा का ना है जी, खूबसूरती जी रब ने पैदा की है। तसव्वुफ भी यही सी पढ़ने कि हर शह रब का जज्बा है, वह इंसान हो या फुल पौधे हो या बाकी भी जो भी कायनात मौजूद है। तो खूबसूरती नाल मुहब्बत करनी चाहिए है, उन्हों उदी सलाना करनी चाहिए है, क्योंकि असी जदों किसी एक बंदे की तारीफ कर रहे हैं, यानी मैं कह रही हूँ कि सोनिया बड़ी सोहनी लग रही है, अहमद बड़ा सोहना लग रहा है, मैं अंदरूनी खूबसूरती मैं दरअसल रब की तारीफ कर रही हूँ, रब की वडियाई कर रही हूँ कि वह तखलीककार जिन्हें एडिया सोहनिया शक्लां बनाईया ने, वो आप किड़ा सोना है। मैडम तुसी भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो अज साडे सूफी इज़म दे जड़ा सैगमेंट है उहदे साडा मौजू है ख्वाजा गुलाम फरीद। तो मैडम इन्हां दे हवाले च, इन्हां दे बारे तुसी कुछ दस्सो जी। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा गुलाम फरीद साढ़े जिहड़ी सूफी शायरी का सिलसिला है उहदे च आखिरी सूफी शायर मने जाते हैं। अच्छा मैडम, क्यों ना इत्थे असीं एक पैकेज पहले विखा दईए साडी ऑडियंस नूं, साडी आवाम नूं। अनाज़िन इत्थे असीं वेखने आ एक पैकेज, ते उस तों बाद आने आ ते गुफ्तगू दोबारा शुरू करने आ। रिश्वत राजी कौन सियाल ते खेड़े, बाज खुदा दे झगड़े झेड़े, साडे कौन नबेड़े। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੇਕਰਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਹ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਕੌਣ ਹੈ।
महबूब कौन। अच्छा मैडम मैं तुहाडे को पूछना चाहूँगा कि ख्वाजा फरीद ने अपनी जिहड़ी वसेबी बोली है इहनूं ही इजहार दा जरिया क्यों बनाया सी, जिहड़ी बोलियां ते होर वी सन? बिल्कुल। अच्छा हम जितने भी साढ़े सूफी शायर ने वड्डे शायर, उन्होंने सब तो वड्डी वडियाई ये है कि उन्होंने आम लोगों की जबान नूं अपनी जबान बनाया। कई ऐसे सूफी शायर से जिन्हों की जबान फारसी सी, जिहड़ी कि उस वेले सरकार दरबार की जबान सी, इसे तरह कुछ लोगों की होर जबान सी अरबी जबान सी, अरबी भी वड्डी जबान समझी जाती है इसलिए कि कुरान पाक अरबी विच है। लेकिन सूफी जदों किधरे गए तो उन्होंने पहला उत्थे दी जबान सीखी, अगर उस इलाके दे नहीं सन उत्थे दी जबान सीखी और फिर उस जबान विच लोगों नाल गल की। मैं बाकी तमाम सिलसिले की गल कर रही हाँ। तो ख्वाजा फरीद का जड़ा सिलसिला है, तुसी एक अगर तुसी उन्होंने दरबार जाण दा तुहानूं इतफाक होया होवे तो बड़ी सख्त जमीन है और दूर दूर तक अगर बारिश नहीं होती तो बहुत घट सब्जा देखने को मिलता है और एक मुश्किल जिंदगी है। और उस मुश्किल जिंदगी का उन्होंने फिर अपनी शायरी च मौजू बनाया और अपने लोगों की नुमाइंदगी की कि वो रोही जी उन्होंने महबूब बन गई और उस रोही के बारे उन्होंने गल की। तो मैं समझनी हाँ कि जड़ा भी सच्चा और वड्डा शायर होंदा वो हमेशा जमीन की बोली बोलता है जिन्हों असी मादरी जबान। मैं वेखो ना हुण वड्डे वड्डे प्लेटफॉर्म ते इन्हां दीआं गल्लां नूं दूजे करन डे ने कि अगर तुसी गल नूं बेहतर समझाणा है या समझणा है ते अपने इलाकाई जिहड़ी जबान है ओहनूं इस्तेमाल करो। ते ओह सबक ते सानूं इह दे गए ने यूएनओ नूं बाद च पता लग्गा, साडे सूफियां नूं पहलां पता लग्गा। पहले पता सी जी। बिल्कुल। अच्छा मैडम ख्वाजा गुलाम फरीद की शायरी का जरा उस हवाले नाल असीं गलबात कर रहे हैं, उन्होंने शायरी का मरकजी ख्याल की है? मरकजी ख्याल तो तकरीबन सारे सूफियां का इको ही होंदा है कि रब की वादानियत और वादतुल वजूद के रब तो इलावा कोई नहीं। मैं एक शेर है कि हिक है हिक है हिक है हिक दी दम दम सिख है, हिक दी हर दम सिख है। और वो कहते हैं कि जो हिक को डू कर जाने वो काफिर मुशरिक है, यानी खुदा एक है। अच्छा। और हर वेले सानू एक दी सिक है यानी चाहत है और जड़ा एक तो अलावा दो देखदा है या समझदा है वो काफर है, वो मुशरिक है। यानी फलसफा तुसी देखो कि रब दे अलावा दुनिया विच कोई नहीं। इस तो अलावा असी देखिए तो मजाज दे राही हकीकत वाल लैके जाना उन्हां दी शायरी दा एक बुनियादी पहलू है कि सारी शायरी जिहड़ी है उन्हां दी इस तरह सानूं बाकी सूफियां वांग उहदे च कोई खुलम खुला तबलीग जां खुलम खुला कोई ऐसियां गल्लां नहीं नज़र आंदियां, बल्कि वह मजाज है। लगता है कि एक लड़की लड़के की गल हो रही है, मुहब्बत की गल हो रही है, वसल की गल हो रही है, चोरी छुपे मुलाकात हो रही ने, लेकिन असल चो मुलाकात रब नाल हो रही है। रब नाल ने बड़ा लोग इन्हों ना गलत समझ जाते। अच्छा नहीं गलत नहीं, मेरा ख्याल है कि अहमद मैं जरूर तस्दीक करा कि जिहड़ी तसव्वुफ है ना इहदे च शायरी दे मुख्तलिफ सतह ने और सूफी चाहता भी यही है कि जिहड़ा जिहड़ी सतह तिकर इहनू समझे वो ठीक है। और सूफी कदी भी औरत ते मर्द दे इश्क नूं बुरा नहीं समझदा, बल्कि पहली पौड़ी है, इहदे तों बगैर अगे तुसीं जा ही नहीं सकदे, पुल है, पुल तो बगैर अगे नहीं लंघ सकते। और औरत और मर्द दोए रब की तखलीक ने और औरत दुनिया का बेहतरीन हुसन है, उसे विच ही रब का जलवा नज़र आता है। जितने वड्डे सूफी होए ने पहला उन्होंने इश्के मजाज ही किया है और फिर अपने आप नू वो सारे जिहड़े नाज अंदाज रुसना मनना और फना फिर महबूब करके अगे लंघे ने। इसलिए ये वो भी एक उहदा रंग है कि तुसी एक जिहड़ा मजाजी पहलू देखोगे तो इंजॉय करोगे और तरह, फिर जो तुसी थोड़ी गहराई नाल सोचते हो तो फिर तुसी उहदे हकीकी मानी तक जांदे हो। बहुत शुक्रिया, तुसी बड़ा खूबसूरती नाल इहनूं बयान कीता है। असी इहदे कशमकश च सी कि आखिर गल की है, कित्थे तक पहुँचते हैं असी मतलब। अच्छा मैडम वेखण च आया कि ख्वाजा फरीद दी शायरी दे विच दुख दा बड़ा अंसर रहा, मैं चाहवां कि उहदी वजह तुसी सानूं दस्सो। रूहां दा जिहड़ा एक निखड़ना है ना रब दी रूह नालों, वो साड़ी जिहड़ी इंसान दी रूह है बर्दाश्त नहीं करदी। यानी सूफी जिहड़े ने क्योंकि उस ज्ञान दी सतह ते ने कि उन्हां नूं पता लगदा है कि तुसी आप देखो कि अगर तुसी बड़े वड्डे घर च रहिंदे हो, बड़ा वड्डा सारा तुहाडा वेहड़ा होवे, खेडदे हो, अचानक तुहानूं एक निक्की जी कोठड़ी च बंद करता जाए जिथे तुसी एक आज़ादी नाल दौड़ फिर भी ना सको, तो तुसी परेशान होना है कि नहीं होना? यही साड़ी रूह दा मामला है। मौलाना रूम तो टुर के सारे ही कहिंदे ने कि सानूं जिसम दे पिंजरे च बंद कर दिता गया। हुण एक ते बाबियां दा ओह रोला है कि ओह कहिंदे ने कि साड़ी रूह जिहड़ी है बंद हो गई और दुख दा इजहार करदे ने कि दोबारा तो असीं पूरी कायनात दा हिस्सा यानी रूह मुतलक रब दी रूह दा हिस्सा बन जाइए। दूसरी गल ये कि ख्वाजा फरीद दे आले दुआले जिहड़े दुख सन
लोगों के दुख, जमीन के दुख, वह भी दुख जड़े होंगे ने वो सूफी अपने अंदर वसा लेंदा है और उन्हां दुखां नूं फिर अपना दुख करके बयान करदा। ये दोए दुख रल जांदे ने ते फिर गल बनदी है क्या हाल सुनावा दिल दा। ते मैडम चार साल दी उम्र उन्होंने अपनी वालदा तो भी दूरी हुई, फिर वालद साहब 8 साल दी। ये ते मेरा ख्याल है कि अहमद जिहड़ा सूफियां दी ना एक और वड्डे सारे बंदियां दी जिंदगियां सानूं इहो जे मंजर इहो जिहां दास्ताना नज़र आउंदियां ने, वह भी इन्हां दी रियाजत कराई जा रही होंदी है। बाज कत सानू कई गलों का पता नहीं चलता, असी किसी वेले तुसी देखो आप भी अपनी जिंदगी तुसी देखो कि असी किसी चीज़ की बड़ी चाहत करने आ, वो नौकरी होवे कोई होर चीज़ होवे, असी कहने सानू लब जाए तो साढ़े दुआरे न्यारे हो जाए, सानू नहीं चीज़ लभदी तो असी दुखी होने, बाद सानू उस तो कई गुना वड्डी चीज़ लभ जाती है और असी कहने अगर असी उत्थे सानू वो शै लभ जाती साडी मंजिल रुक जाती। इसलिए जो रब ने अपने वल लैके आना होंदा बंदे नू तो कई थोड़ा ओदी जिंदगी च रख छड़दा है। मैं एक मेरे शेर सामने आ रहा है जिहड़ा तुसीं गल कीती है मजाज तू हकीकत भी और दुख भी, वो कहंदे ने कि तू बिन कैच शहर दे वाली औखी उम्र गुजारा। उन्हें जिहड़ा मजाज असीं अक्सर देखने आ कि वह सारियां जिहड़ियां लामतां ने उन्हां नूं जिक्र करदे ने, फिर सज्जन तू बिन ना थीसा मैं, यानी मैं मौजूद ही नहीं हाँ, मैं है ही नहीं। सज्जन तू बिन ना थीसा मैं, कड़ी क्या पल ना जीसा मैं। तो ख्वाजा गुलाम फरीद की शायरी विच जमालियाती हुसन तो अलावा एक और चीज़ है, वह हैगी है जी उन्हों का दुख का परछावा, गहरे दुख का परछावा, वो बारे कुछ दसो। मेरे हाले दुख जड़ा ना दुख ना हो ना तो असी कभी भी ना अपने आप को समझ सकी ना कायनात को समझ सकी। जो असं खुश होंगे तुम अपनी मिसाल लो कि तुम खुश होंगे हो ना तो बहुत सारिया चीज़ा नज़रअंदाज कर रहे होंगे हो जी, तो शामा नज़र ही नहीं आ रही होंगे ना। बहुत शुक्रिया मैडम ताड़ी तशरीफ आवरी का, क्योंकि इतने साडा सूफीजम का जो दूसरा सैगमेंट है वह खत्म हो रहा है। अगेन ताड़े आन का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन असं जावे ब्रेक तो पहले, लेकिन उस तो पहले एक सूफियाना कलाम है असं वो वेखने। दर्द भी तू, दर्द भी तू,
संगियों हुण वेला होया है साढ़े तीजे सैगमेंट का। साढ़े जिहड़े हुण मेहमान ने वह पाकिस्तान का बहुत वड्डा नाँ है, बहुत वड्डे एक्टर ने। पाकिस्तान टैलीविज़न ते इन्हां ने इहो जिहे ड्रामिया च कम किया कि अज भी उन्हां दी तारीख रकम की गई है। तो इस तों बाद इन्हां ने ना सिर्फ पाकिस्तान दे विच इन्हां दे ड्रामे ने धूम मचाई बल्कि दूजे मुल्कां दे विच भी इन्हां दे ड्रामे की हले तक धूम मची पई है। तो इन्हां दे जिहड़े फन का सहर है अज भी साढ़े ते तारी है। मैं गल कर रहा वहाँ साढ़े महबूब अदाकार औरंगजेब लगारी साहब द। सर अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद तुहानू साढ़े शो दे विच। वालेकुम सलाम जनाब, कैसा महसूस? मेहरबानी। लेकिन बजाते खुद औरंगजेब की ने ऐसा नु थोड़ा जे दसो। बंदा होर की है की नहीं बंदा ते है मजाज की है गन जी शाके दे हैं की दसा तनु औरंगजेब दे बारे निक अपने शुरू हो बचपन तो ते पिंड दा एक खिलंदड़ा जे बच्चा एक जागीरदार फैमिली च पैदा होंदा है। वालदैन तो छुप छुप के जूही वड्डा होंदा है, बंटे खेलना शुरू कर दिंदा है, पिट्ठू गरम खेलता है जाके लुक लुक के क्योंकि घर वाले पसंद नहीं करते। फिर जरा होर वडेरा होंदा है, फिर अब्बा जी ने जिद करता है एयरगन लैके दियो, अब्बा जी एयरगन लैके दे देंगे ने। फिर मासूमियत जाके कबूतर फाखता यहोजे परिंदे शिकार करना शुरू कर देता है अपने खेतों में जाके। फिर होर जरा वडेरा होंदा है तो 12 बोर मिल जाती है, उहदे नाल तिलियर शुरू हो जाता मारने। फिर 8वीं जमात तकरीबन पिंडों लाहौर आ जाता है, उहदी वजह होंदी है कि एयरगन नाल अपने उस्ताद दे बच्चे नूं पता नहीं होंदा कि उहदे छरा पिया है, उहदे हल करके मार दिंदा उहनूं लगदा है। फिर डर के उह जांदी नहीं स्कूल, कहिंदा मैं तां नहीं पढ़ना। फिर उह चूंकि जिद करदा है फिर उहनूं इत्थे सेंटर मॉडल स्कूल च भेज दिंदे ने लाहौर, उत्थे 8वीं जमात तक पढ़ना। ते फिर उहदे बाद कैडेट कॉलेज पिटारो सिंध चला जाना। शायद वालदैन दा शौक होंदा है कि मैं हाँ आर्मी जावां, एयरफोर्स च, नेवी च। उत्थे जाके
चूंकि एक्टिंग का बचपन तो कुछ शौक जहा सी नकल नुकल करन दा बड़े भरा होंदे सन वो कुछ एक्टिंग का शौक रखते सन तो मैनू कहंदे सन तू इत्थे खलो ऐ जिहड़ा लुट है ना इहनू जरा ठोकर मार के चल मैं कहांगा देखो बेटा क्या हुआ तो तू क्यों ही कुछ नहीं बस यूं ही चलते चलते ठोकर लग गई और मैं कहांगा देखो बेटा इस दुनिया में बहुत सी ठोकरें जरा एहतियात से चला करो तो वो कुछ ऐसा जहन बैठा कि एक्टिंग का शौक मैनू हो गया फिर कैडेट कॉलेज पिटारो गया उत्थे भी एक फन कदा सोसाइटी बनाई उस तो पहले सितंबर स्कूल भी एक्टिंग शुरू करती सी एक ड्रामा होया सी माहेसीम यादगार ड्रामा इस वास्ते कि उसकी हीरोइन जिहड़ी सी डॉक्टर अमजद परवेज नहीं जिहड़े गाँवदे ने बहुत अच्छा वो साड़ी हीरोइन सी माहेसीम स्कूल सी ना तो से बच्चे बच्चियाँ बन जाते सर अज का जमाना तो इन्ना मॉडर्न नहीं सी कि बच्चे ही लै आते ड्रामे बहरहाल फिर क्रिकेट कॉलेज तो भी ड्रामा होता रहा उत्थे बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर मैं बनया फिर स्पोर्ट्स हिस्सा लेंदा रहा मैं लाहौर मैं लाहौर आने तो पहले फुटबॉल पाकिस्तान कैंप गया सिंध तो बास्केटबॉल तक 3 साल का कलर ऑर्डर सा कॉलेज का फिर उतों लाहौर आया लाहौर आके गवर्नमेंट कॉलेज दाखिला लिया एफ एस सी के बाद इतने फिर अलहमरा के चक्कर लाने शुरू करते टेलीविजन तो आंदे ही नहीं सी अजे आए ही नहीं सी 64 की गल है 5 की तो 63-64 मैं फिर अलहमरा काम करना शुरू किया ड्रामे सिंस दैन शुरू हो गया पी टी वी आ गया पाकिस्तान टी वी आ गया तो टी वी एक्टर कितों आना ऐसे तो काम ही यह नहीं सी होता और जो स्टेज पर करते स ਉਹੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਐਡ ਕਰਦੀ ਚਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਫਨਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਸੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਲਾਈਵ ਡਰਾਮਾ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉੱਧਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਊ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਤੀਫੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੱਕੇ ਕੀ ਨਲੀ ਮੂੰਹ ਮੇ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ਹੁੱਕੇ ਕੀ ਨਲੀ ਮੂੰਹ ਮੇ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਨਲੀ ਮੂੰਹ ਮੇ ਲੇਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਡਾਇਲੋਗ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੰਗਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਗਲੇ ਡਾਇਲੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਸਮਝ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਮਤ ਖਾਨ ਕਭੀ ਕਭੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾਨਾ ਕਰ ਫੋਨ ਕਰ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ
ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਬਸ ਫੜਕ ਫੜਕ ਉੱਠੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਵੀਆਂ ਖਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਘਿਆ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸੋ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 50-60 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਰਕ ਫੋਰ ਪੀਪਲ ਨਾਟ ਮਾਈਸੈਲਫ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਅਲ ਅਮਜਦ ਇਸਲਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇਲਰ ਬਣਿਆ ਸਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਰਿਸ ਤਿਹਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਬੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜੈਂਡ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪੀਟੀਵੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਮ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੀਟੀਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਬਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਕੇ ਨਿੱਘੀ ਧੁੱਪ ਨਾ ਰੋਕ ਲੰਘੋ ਸਮਿਆਂ ਲੰਘ ਲੰਘੋ ਵੇਲਿਆ ਲੰਘ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂ